किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं डायसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान। आज आप सुनेंगे इसकी 12वीं कड़ी। अध्याय का शीर्षक है पूंजीवाद ने प्रेम को सम्मानपूर्ण स्थान दिया। ये इस अध्याय का आखिरी भाग है। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे इस किताब का नया अध्याय। मध्य युग में औद्योगिक कारीगरों के विवाह संबंधी और जन्म संबंधी कानूनों को कुशल कारीगरों के संगठन जो गिल्ड कहलाते थे बनाते थे। न सिर्फ बंदिश ये थी कि कोई अपने सामाजिक वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग में विवाह न करे, बल्कि प्रेम पर आधारित विवाह कर सकना भी कल्पना से परे था। किसी भी लड़की का विवाह उसकी वर्ग स्थिति के अधीन होता था। स्थिति को देखकर आमतौर से बिचवानी यानी मध्यस्थ उसका विवाह तय करते। कभी कभी सरकारी ओहदेदार भी इन ब्याहों को तय करते। शायद ही कभी किसी लड़की की इच्छा जानने की कोशिश की जाती। उसकी राय ले लेना केवल ऊपरी चीज थी, दिखावा था। आमतौर से अपने पति का मुंह वो अपने ब्याह के दिन ही देख पाती। अस्तु, इस काल में जिस महत्वपूर्ण अनुभूति को हम प्रेम कहते हैं, उस काल में उसे कोई कानूनी मान्यता नहीं दी जाती थी। विवाह के मौके पर पत्नी बनने वाली लड़की को हिदायत दी जाती थी कि वो बड़ी भक्ति से आजीवन केवल एक पुरुष को यानी अपने पति को प्यार करे। विवाह की कानूनी और धार्मिक कार्रवाई को इस बात की गारंटी माना जाता था कि ऐसा ही होगा। समाज हालांकि इस बात को जानता था कि पत्नी अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द से प्यार कर सकती है, पर इस प्यार को जाहिर न करने की कड़ी ताकीद की जाती थी। उधर उसके पति की बेलगाम लिप्सा को बढ़ाने और तुष्ट करने वाली अनैतिक महिलाओं की फौज ज्यों की त्यों बरकरार रहती। किंतु मध्य युग में ही स्त्री के प्रेम की शक्ति और स्त्री प्रेम की पवित्रता की उपासना भी पड़ी। कवियों और सितार बजाकर भीख मांगने वालों ने स्त्री प्रेम की गौरव गाथाएं गानी शुरू की। इस तरह उस प्रवृत्ति का जन्म हुआ जिसे हम साहसी वीर भाव यानी अंग्रेजी में सिवेलरी कहते हैं। विक्टोरिया कालीन साहित्य को पढ़कर हमारा युवक वर्ग इस शब्द का जो अर्थ लगाता है उससे वो एकदम भिन्न था। ये दुष्ट पुरुषों के बलात्कार से पवित्र स्त्रीत्व को वीरत्वपूर्ण रक्षा नहीं था। वास्तव में ये विवाह के बंधन को तोड़कर सच्चा प्रेम करने की स्त्री की क्षमता का परिचायक था। खुले शब्दों में ये उन स्त्रियों से पुरुषों का प्रेम था जो सचमुच उन पर जान देती थी, भले ही वे किसी और की पत्नी क्यों न रही हो। हमारी आज की समझदारी के मुताबिक ये रीति व्यभिचार को न्यायपूर्ण ठहराने वाली अर्थात अनैतिक मालूम होती है, पर बात ऐसी नहीं है। उसे हम अपने आज के सामाजिक मानदंडों से नहीं तोड़ सकते। वास्तव में वो एक शक्तिशाली नैतिक जागरण की प्रतीक थी। उसने राज्य अथवा धर्म द्वारा सिर पर लादे गए पुरुष के विरुद्ध अपनी रुचि के पुरुष को प्यार करने के स्त्री के अधिकार का प्रश्न सामने ला खड़ा किया। साथ ही साहसी वीर भाव ने पुरुषों में भी एक नई चेतना का संचार किया। इसने उन्हें प्रेम की आध्यात्मिक शक्ति के प्रति जागरूक बनाया। बिचवानियों यानी मध्यस्थों के जरिए कराए गए ब्याहों का पर्दाफाश तो इसने किया ही, व्यभिचार की कुरूपता को भी इसने उघाड़ कर रख दिया। अब अपने सच्चे प्रेमी से प्यार करना स्त्री के लिए वीरतापूर्ण कार्य था। इस तरह वो अपने प्रेम करने के अधिकार को व्यक्त करती थी। ये कार्य नैतिक भी था, क्योंकि अब तक ये साबित हो चुका था कि सच्चे प्रेम के उपासक पुरुष भी मौजूद हैं। मध्य युग की ये एक बहुत बड़ी देन थी। कारण ये कि एक पुरुष और एक स्त्री जो सचमुच एक दूसरे को प्यार करते हैं, विवाह के बंधन को तोड़कर एक दूसरे के बन जाते। उनका ये संबंध इतनी बलवती प्रेम भावनाओं से प्रेरित होता था कि वो आजीवन अटूट बना रहता। प्रेम से बंध जाने पर ये दोनों प्राणी बिना किसी कानूनी या दूसरे बंधन के मृत्यु पर्यंत
एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहते हैं। वीरता की इस भावना का उद्देश्य स्त्रियों को उस कानूनी किंतु अनैतिक विवाह बंधन से मुक्त करना था, जिसमें स्त्री बिना अपनी मर्जी के किसी भी पुरुष के साथ बांध दी जाती थी। किंतु इससे भी अधिक महत्व का एक दूसरा उद्देश्य था। ये उद्देश्य था उन पुरुषों को नैतिकता की शिक्षा देना जो विवाह की खीज व्यभिचार के दरवाजे पर मिटाते थे। मध्य युग का कविता साहित्य प्रेम की इसी भावना की प्रशंसा से सराबोर है। साथ ही उस काल का इतिहास इन कवियों के राजकीय दमन के उदाहरणों से भी भरा पड़ा है। एक नई नैतिक व्यवस्था के रूप में ये साहसी वीर भाव यकायक फूट नहीं पड़ा था, सदियों तक ये भी भोग लालसा में भीगा रहा। तत्कालीन धर्म के ठेकेदारों को इस पर लगातार हमले बोलते रहने का इसी कारण नैतिक आधार भी मिल गया। परंतु इस प्रकार के प्रेम के विरोध का वास्तविक कारण कुछ और ही था। नई आर्थिक शक्तियां सामंतवाद की जड़ें हिला रही थीं। पूंजीवाद और पूंजीवाद की जनवादी विचारधारा का विकास हो रहा था। बिचवानियों यानी मध्यस्थों के जरिए तय किए गए विवाह, उत्तराधिकार के नियम और व्यभिचार, ये थे सामंतवाद के पाए। विवाह से परे प्रेम की भावना ने सामंती समाज व्यवस्था की नींव को और भी कमजोर करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि जो कवि ऐसे प्रेम की गाथा गाते, उन्हें हमेशा अपनी जीभ काट लिए जाने या चौरस्ते पर फांसी लगा दिए जाने का भय सताता रहता। किंतु इस नए नैतिक प्रेम की भावना का दमन व्यर्थ साबित हुआ। समय आया जब शेक्सपियर इस समस्या को निडर होकर लंदन के रंगमंच पर पेश कर सके। हमारे स्कूलों में ये नहीं बताया जाता कि शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट की पृष्ठभूमि क्या थी, किंतु ये एक ठोस सत्य है कि ये नाटक एक राजनीतिक नाटक है। नाटक की विषय वस्तु पुरानी जरूर है, किंतु आज भी वो नाटक अत्यंत भावपूर्ण दुखांत नाटक बना हुआ है। इस नाटक ने प्रेम के लिए विवाह करने की नैतिक समस्या को सामने ला खड़ा किया। बड़े ही कलात्मक ढंग से शेक्सपियर ने दिखाया कि रोमियो और जूलियट दोनों ही प्रेमी अपने प्रेम की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। किंतु नाटक की नवीनता ये बात नहीं थी। शेक्सपियर से पहले के कवि भी पुरुषों और वेश्याओं के बीच दूसरे पुरुषों की पत्नियों से प्रेम के गीत गा चुके थे। रोमियो एंड जूलियट में नवीनता ये थी कि उसने दो सच्चे प्रेमियों की विवाह इच्छा को इतनी सहृदयता से चित्रित किया कि दर्शकगण रो पड़ते हैं। इस प्रकार के विवाह के लिए पुरुष और स्त्री के अधिकार को आज हम बिना ज्यादा मीन में स्वीकार कर लेते हैं, किंतु इतिहासकार सोवियत वैज्ञानिकों के मतानुसार प्रेम के लिए विवाह करना उस काल में एक क्रांतिकारी भावना थी। उनका कहना है कि मध्य युग में विवाह एक राजनीतिक क्रिया थी। विवाह का उद्देश्य नवाबजादों से लेकर सामंतों तक की शक्ति का सिक्का बैठाना था, और इस क्रिया को सरल बनाने वाली थी औरत। चाहे वो किसी सामंत के प्राचीर में कैद शहजादी हो, चाहे झोपड़ी में तड़पने वाली किसान की गरीब लड़की। उस काल की विवाह प्रथा एक ओर तो वेश्यावृत्ति को पुरुषों के लिए आवश्यक बताकर व्यभिचार को खुली छूट देती थी, दूसरी ओर वो विवाहित स्त्रियों को अपने सच्चे प्रेमी के प्रति प्रेम प्रकट करने से रोकती थी। सोवियत वैज्ञानिकों की नैतिकता संबंधी खोजबीन का एक अनूठा तथ्य ये है कि प्रेम पर आधारित विवाह संबंध समाज में तभी संभव हुआ जब पूंजीवाद ने सामंतवाद को उखाड़ फेंका। मुक्त प्रतिद्वंदिता यानी फ्री एंटरप्राइज का नैतिकता पर गहरा असर पड़ा। पहली बार व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्न को एक बुनियादी नैतिक उसूल को जनवाद ने उठाया। पहली बार ये उसूल सामने आया कि प्रत्येक मनुष्य अपने सभी क्रियाकलापों में स्वतंत्र है। वो अपनी मर्जी का नौकरी पेशा चुन सकता है, जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकता है। समाज में उसका स्थान नीचा हो या ऊंचा, वो चाहे जितना पैसा कमा सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जाकर रह सकता है इत्यादि। ये विचार उन दिनों के लिए बड़े क्रांतिकारी विचार थे। इन विचारों के प्रभाव से ही ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यद्यपि ऐसे धर्मशास्त्री मौजूद हैं जो कहेंगे कि ईसा मसीह के आदेशों में भी स्वतंत्रता का प्रमुख स्थान है, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता जिसके लिए उसकी आत्मा गवाही न देती हो। परंतु मध्य युग में ये विचार निसंदेह धर्म विरोधी माने जाते थे। सामंतवाद और गिरजा दोनों ही
इन विचारों के आदि से अंत तक विरोधी थे। कारण ये कि दोनों ही मनुष्य के जन्म काल से मृत्यु तक जबरदस्ती काम कराने के सिद्धांत पर टिके हुए थे। ज्यों ज्यों पुरानी व्यवस्था ढहती गई, त्यों त्यों कानून, धर्म और नैतिकता में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते गए। पूंजीवाद के अंतर्गत ही इतिहास में पहली बार यह संभव हुआ कि विवाह सच्ची नैतिकता पर आधारित हुआ। अनैतिक जोर जबरदस्ती की बेड़ियों से विवाह प्रथा मुक्त हुई। पहले विवाह मोल भाव की चीज थे, बड़े बड़े राव राजे जो कहते वही होता। परंतु जनवाद ने सीधा प्रश्न उठाया, जब समाज में सभी संबंध भिन्न भिन्न दलों की निजी इच्छा पर आधारित होते हैं, तो विवाह के संबंध पर जिसके द्वारा दो प्राणी एक दूसरे से बंधते हैं, हम कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं? ये अत्यंत पवित्र संबंध होता है, इसमें दो शरीर और दो प्रेमी जीवन भर के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्यों का ये नैतिक कर्तव्य है कि वे प्रेम के लिए विवाह करें, और प्रत्येक ऐसा विवाह जो पुरुष और स्त्री के आपसी प्रेम पर आधारित नहीं होता, अनैतिक विवाह होता है। ऊपर कही गई बात हमें बहुत सीधी सादी मालूम होती है। हम लोगों को ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री से घृणा करना सिखाया गया है जिनका विवाह प्रेम के अलावा किसी और लोभ लालसा पर आधारित हो। इसीलिए हम उन जनवादी नैतिक विचारों के क्रांतिकारी तत्व को यकायक नहीं पकड़ पाते जिन्होंने पहले के तमाम रूढ़िवादी नैतिक विचारों से लोहा लिया। सोवियत विशेषज्ञों ने कहा, पूंजीवादी जनवाद ने इंद्रिय संबंधों में जो सुधार किए उनका असर विवाह पर उतना नहीं पड़ा जितना कि स्त्री की सामाजिक स्थिति पर। इस बात को कानूनी और नैतिक मान्यता दी गई कि स्त्री को भी प्रेम करने का अधिकार है और इससे उसकी इज्जत में बट्टा नहीं लगेगा। ये एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जिसे हमारे नीति शास्त्रियों ने कभी पेश नहीं किया। इस तथ्य को वे समझते भी हैं, इसमें संदेह है। सोवियत वैज्ञानिकों ने इसे इतना महत्व दिया कि इसे उन्होंने अपने तमाम नैतिक आदर्शों की आधारशिला बना लिया। क्यों? इसलिए कि पहले तो ये इस धारणा की धज्जियां उड़ा देता है कि प्रेम, विवाह और नैतिकता युग युग से अपरिवर्तित रहे हैं। इतिहास साबित करता है कि नैतिकता संबंधी आदर्शों में न सिर्फ समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, बल्कि पूंजीवाद और जनवाद के विकास ने उन्हें एकदम बदल दिया है। सामंतवाद के अंतर्गत इस बात की कल्पना कर सकना भी कठिन था कि प्रेम के लिए विवाह करना नैतिक रूप से सही है। आज तो हमारे लिए ये कल्पना कर सकना कठिन हो गया है कि प्रेम के अलावा और किसी इच्छा से विवाह करना नैतिक रूप से सही है। सामंतवाद के दिनों में समाज के बड़े बड़े ठेकेदार व्यभिचार के स्थानों की खुल्लम खुल्ला प्रशंसा करते और उन्हें बढ़ावा देते थे। इसे अनुचित भी नहीं समझा जाता था, न तो समाज और न धर्म ही इसे अनुचित ठहराता था। किंतु जनवाद की जड़ें मजबूत हो जाने के बाद व्यभिचार का संगठित अस्तित्व समाज के लिए असहनीय हो गया। दरअसल किसी भी चीज में इतना परिवर्तन नहीं हुआ है जितना प्रेम, भोग, नैतिक आदर्शों और पाप के संबंध में मनुष्यों के विचारों और अमल में। इतिहास के तथ्यों से एक दूसरा निष्कर्ष जो निकलता है वो ये कि हम किसी भी दृष्टिकोण से क्यों ना सोचें, नैतिकता में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। इस संबंध में एक ईमानदार वैज्ञानिक और एक ईमानदार पादरी की एक ही राय होगी। भले ही वैज्ञानिक केवल इस बात की दुहाई दें कि फ्रांसीसी क्रांति के पहले यूरोप में सिफिलिस के मरीजों की संख्या बेशुमार थी, और पादरी केवल इस बात पर आंसू बहाए कि मध्य युग में करोड़ों औरतों को नरक की जिंदगी बितानी पड़ती थी, पर इसमें संदेह नहीं कि मानव जाति में पहले के मुकाबले अनैतिकता की मात्रा अब कम है। हमारा अंतिम निष्कर्ष समाज में स्त्रियों की वर्तमान स्थिति के बारे में है। जैसा कि हम देख चुके हैं, पूंजीवादी जनवाद ने पहले पहल स्त्रियों को अधिकार दिया कि वे प्रेम कर सकती हैं और इससे उनकी इज्जत में बट्टा नहीं लगेगा। उन्हें इस बात का अधिकार मिला कि वे प्रेम के लिए विवाह करें। सोवियत वैज्ञानिक जब इस ऐतिहासिक तथ्य की जांच पड़ताल कर रहे थे, तभी वे इसकी कमजोरी को भी पकड़ सके। प्रेम के लिए विवाह करने का स्त्री का अधिकार ऐसी चीज नहीं है जिसे कानूनी हिदायतों से संभव बनाया जा सके। कानून तो सिर्फ इस बात की रोकथाम कर सकता है
कि अपनी मर्जी के खिलाफ किसी भी औरत का विवाह न किया जाए। दरअसल करीब करीब सभी सभ्य देशों में यह कानून है भी, किंतु कोई भी कानून इस बात की गारंटी नहीं कर सकता कि प्रत्येक स्त्री वास्तव में सच्चे प्रेम के लिए विवाह करने को स्वतंत्र होगी। इस स्वतंत्रता के लिए जरूरी होती है स्त्री की पूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की। इसके लिए जरूरत होती है इस बात की कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार हासिल हो। क्या ये अधिकार उन्हें हासिल हैं? नवंबर क्रांति के बाद ये दिखाई देने लगा था कि सोवियत सरकार के घोषणा पत्रों में तो स्त्रियों के समानाधिकार की बात की गई है, किंतु ये कोरी कागजी बात है, क्योंकि अमल में वे इन अधिकारों को नहीं पा रही थी। अपने अनुभव के आधार पर इस असमानता के एक पक्ष को तो हम समझ लेते हैं। सन 1920 के लगभग गोर्की और लेनिन ने जिस बंधन रहित प्रेम पर करारा हमला किया था, उसका उद्देश्य महिलाओं को, जो कि पानी का गिलास थी, उन्हें पुरुषों के ही समान उच्छृंखल इंद्रिय भोग की पूरी छूट देना था। इस तरह की स्वतंत्रता वास्तव में बड़ी घृणास्पद थी। अपने को वे कितनी ही बड़ी क्रांतिकारिणी बघाड़ने वाली क्यों न हो, जिन रूसी महिलाओं ने भी उच्छृंखल इंद्रिय भोग का रस लेने की चेष्टा की, उनके सामने जिंदगी का एक बुनियादी सत्य आ खड़ा हुआ। तमाम कानूनों और नैतिक आदर्शों से बड़ा शरीर विज्ञान संबंधी यह तथ्य है कि पुरुष और स्त्री समान नहीं है। शारीरिक तत्व में स्त्री पुरुष से ज्यादा बढ़ी चढ़ी है। भोग लालसा को तृप्त करने में पुरुष और स्त्री को क्षणिक इंद्रिय सुख का अनुभव होता है, किंतु शिशु को जन्म देने, मानव जाति को आगे बढ़ाने, मनुष्य परिवार के विकास को संभव बनाने का महान कार्य केवल स्त्री कर सकती है। और वास्तविक जीवन में इस महान कार्य के एवज में समाज स्त्री का आदर किस तरह करता है? मातृत्व पर कड़े प्रतिबंध लगाकर। मातृत्व की दशा में स्त्री को नौकरी छोड़नी पड़ती है, उसे ही समूची शारीरिक वेदना बर्दाश्त करनी पड़ती है, शिशु की देखरेख का उसी पर दारोमदार होता है। सोवियत रूस में अनैतिकता की समस्या के हल होने के पूर्व काल में जो स्थिति थी, वैसी ही हमारे देशों में आज है। बच्चों की देखरेख से स्त्री के फुर्सत पाने का एक ही उपाय था कि इस बोझ को वो अपने पति पर झोंक दे। विवाह के बाद स्त्री पराधीन हो जाती है, ऐसी कोई बंदिश पुरुष के लिए नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में पुरुष और स्त्री के बीच समानता की बात कोरी गप है। यद्यपि ये सच है कि जनवाद और पूंजीवाद ने स्त्री को उस स्थिति से मुक्त किया जिसके अंतर्गत उसे ऐसे पुरुष से विवाह करना पड़ता था जिसके लिए उसके हृदय में प्रेम भाव की मात्रा नाम को भी नहीं होती थी, पर जिसे दूसरे लोग सामंती उसूलों के मुताबिक उसके लिए चुन देते थे। किंतु बहुसंख्यक स्त्रियों के लिए जो अपनी मर्जी का पति चाहती थी, अनेक अमली सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध बने रहे। विवाह के अवसर पर उन्हें अपनी स्वाधीनता की काफी कुर्बानी करनी पड़ती। स्त्रियों का उद्धार करने वालों के प्रयत्न विफल रहे, क्योंकि जिन बेड़ियों में आज स्त्री जकड़ी हुई है वे आर्थिक बेड़ियां हैं। शारीरिक तत्व संबंधी तथ्य इन बेड़ियों को और भी मजबूत बना देते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है कि हिटलरी जर्मनी के नीतिशास्त्री स्त्री की इस असमानता के गौरवगान गाते नहीं अगाते। हमारे यहाँ के प्रतिक्रांतिवादी भी इसी नारे की नकल टिपते हैं, औरतों को चाहिए ही क्या, बच्चे, चूल्हा चौकी और भगवान की पूजा। हिटलर द्वारा इस सड़े गले सामंती आदर्श की पुनरावृत्ति के बहुत साल पहले ही सोवियत अधिकारी इसके खोखलेपन को दिखा चुके थे। वे दिखा चुके थे कि ये आदर्श स्त्री को पुरुष के समान अधिकार देने से इनकार करना है। उन्होंने कहा, आज की दुनिया में अनैतिकता की जड़ यही है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डाइसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान की 12वीं कड़ी। इस अध्याय का शीर्षक था पूंजीवाद ने प्रेम को सम्मानपूर्ण स्थान दिया। तो अगली कड़ी में इस पुस्तक के नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें।
आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।